करण, फाइनली हम मनाली में इंटर कर रहे हैं मेरी बब्बू। आप देख सकते हो सुबह के 6 बजे दोस्तों, और आज का ये व्लॉग इसी मेट्रो से स्टार्ट हो रहा है। अब आपको धीरे धीरे सारी स्टोरी बता दें। कल का पूरा दिन निवान तक गया, एक्चुअली निवान तो नहीं गया, बहुत सारा मैटर हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे बताते। चलो अब बता दें कि गाड़ियाँ कहाँ पे जा रही है। दोबारा वही लोकेशन, दोबारा तुम्हारा भाई, लेकिन इस बार नहा धो के एकदम रेडी के दिल में बटाटा वड़ा। हम जा रहे हैं गाड़ियाँ लेके, कहाँ जा रहे हैं अभी तक नहीं बताऊंगा, वहाँ पे पहुँच के बाद में बताऊंगा मेरी बॉम बॉम। हम एक ऐसी जगह पे आए जहाँ पे हम कुछ तो करने वाले हैं। ये गाड़ी आप देख रहे हो सारी की सारी एक ही जगह पे, लेकिन हम क्या करने वाले हैं ये मैं अभी भी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर और आपको वेट करना पड़ेगा मेरी जाने पॉल पॉल। दोस्तों एक ट्रक आ गया है, अब इस ट्रक का क्या विषय है ये मैं अभी भी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा। क्या बराबर के बच्चा, लेकिन इनको पता चल रहा होगा कुछ तो गड़बड़ हो रही है आज के व्लॉग में ब्रोस। बस एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, कोई ऑप्शन ही नहीं था, ऐसा एक सॉल्यूशन है। मैं थोड़ी देर में आराम से बताऊंगा, क्योंकि कल का जो दिन गया ना उसका पूरा हरा खड़ा मैं आपके सामने लाने वाला हूँ, क्योंकि कल कोई व्लॉग शूट नहीं हुआ, अगर शूट होता तो आपको बहुत मजा आता, बट ठीक है। ये देखो हमारा कोबरा बहुत प्यारा है, ये अभी हेल्दी भी हो गया है। ये अंदर से देखो कितना क्लीन और स्वच्छ और नीट लग रहा है ट्रक। और ये कोनी में क्या है ये मैं अभी भी नहीं बताऊंगा मेरी जान। ये ट्रक अभी यहाँ पे लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे उठन है, उठन, और उठन से ये ट्रक पैरेलल किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है ये मैं अभी भी नहीं बताऊंगा बच्चा, ये अंदर की बात है। तो जैसे कि एंट्री मारी भूसा ने पहले, आपको अभी पता चल रहा होगा कि क्या सिचुएशन है, क्या परिस्थिति है, लेकिन ये जो अंदाजे है वो आप अपने हिसाब से लगाइए। मैं आपको अभी भी कुछ नहीं बताऊंगा दोस्तों। क्या बाकी बचा है भाई, मैं बता नहीं उनको पता सब है, मैं बताऊंगा बाद में, क्योंकि मुझे अंदर से सारी चीजें पता नहीं होंगी। और मेरा डोका इधर अपटा दना दन दो बार। वो अभी चल रहा है श्रीमान भाई का एंट्री। आंदो 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 भी लंबा है, हो गया भैया ताकि तो आपका भाई के जो हमारे यहाँ जो चलता वही नहीं है, अलग ना। हम लोग का वही है जो इधर चल, ये बाहर गाँव का है। एवढी क्रॉस तो करो सिद्धी बाबा, पाइप तुझ्या टाकी राहणार इथे जगह काय झालं नंबर पेट जाईल नाही आता नाही नाही बस हो गया इथे से भी टच है जाओ करण भाई आपकी आपकी लाओ छे, मैं क्या बोल रहा हूँ मैं भी ट्रक में आऊंगा, मैं भी ट्रक में आता हूँ भाई। मी तो बोलतो करण मी भाई गाडीवर बसून आहे ना असच निघतो भाई मनाली परत, मला भीती वाटते मी गाडीला पडून नाही देणार एक पण। दोस्तों अभी करण की भी हिमालयन लगा दी, मेरी भी लग गई है, और ये परिस्थिति जो ऐसी है ना, रुको जरा ये देखो मस्त एकदम। अभी पतु गाड़ी लगाने को आ रहा है, आ जा पतु फटाक से चल दादा आ गया वो। ये देखो पतु की भी गाड़ी फिटिंग हो गई है, चार चार गाड़ियां एक ट्रक में, और दादा अभी थोड़ा सा टेल लैम्प हटा रहे हैं क्योंकि वो डैमेज होने के चांसेस है, इन दोनों का हटाएंगे शायद, मेरा नहीं हटेगा शायद, देखते हैं। दोस्तों देखो दादा ने अंदर का सामान फुल पैकिंग किया, और मेरा हेलमेट स्पेशली बाजू में बांधा है ताकि कुछ डैमेज ना हो अलग थलग सा। बाप रे, ये हम गाड़ी में सवार हो गए और अभी अपने ट्रक्स के और चले हैं, सारा सामान अंदर पैक करके बच्ची के दिल में बटाटा वड़ा, और वन साइड ड्राइविंग बाय दादूस, बात कर रहे दादूस भाई। अभी देखो टर्न देखो टर्न देखो, राज रुक पता भी नहीं चला ना मेरी जान।
ये हम पिछले व्लॉग में आपने जो देखा था उस एरिया में हम रुके थे। अभी यहाँ पे देखो ये गाड़ी लगा दी है इन लोगों ने। कैसे लगाए जरा एक बार देख लेते हैं। मेरी पॉपला प्रॉपर लगाई है कि नहीं, मुझे अंदर जाके देखने की इच्छा हो रही है। रुको दोस्तों, भूसा को देखो कैसा संरक्षण लिया इस कुत्ते ने, और हम तीनों की गाड़ी देखो कैसा लावारिस की तरह रखी है। देखो हाँ, ना संरक्षण है ना कुछ है। स्वतः गाड़ी लो केवड़ी सेफ्टी होनी आपल्या गाड़ी बाबा। मतलब पूरा ट्रक पलटी हो जाए इसकी गाड़ी सेफ है। दोस्तों ये एक कुत्ता है, कुत्ता ये देखो परिस्थिति दोस्तों। लेकिन जबरदस्त पैकिंग है, मुझे बस मेरे नंबर प्लेट का टेंशन है। हाँ, इन्होंने पीयूष भाई ने लाइट निकाली है क्या, क्या टूटे ना इसलिए, बाकी तो सब भगवान के भरोसे है। आओ पीयूष भाऊ, आता इथून अडवणार नाही ना आपल्याला? इथून अडवणारचा प्रश्न नाही, इथून आता विषय काय, अजून दोन येणार आहेत चेक पोस्ट तिकडे अडवू शकतात। पण जाऊ आता निघून ना, थांबायचं कशाला, खाऊन घ्या पुढे काहीच भेटणार नाही खायला। अरे मला उपाशी राहायचं, मला गाड्या पोहोचवायच्यात भरी लवकर। ए सिद्धार्थ, तू माझी सीट बघ। हा अरे तुझी सीट काय, सगळ्यांची सीट करंची सीट तर ठेचले रे, एखादा सरळा ठेचतात बघ पायाखाली करेन, तशी तुझी सीट ठेचले भाव आहे बघ। आई ग गोळी लागली रे, चल काय पटापट खाणी निघा भाई, पटापट खाके निघो। ये देखो ये सदमा देखो दोस्तों, सदमा दोस्तों, बड़ा सफर तय करना है तो ये लेना जरूरी है। थोड़ा खाने के लिए ले रहे क्योंकि आगे कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी रुके तो थोड़ा कुछ खा के रपा रप निकलने का विषय लेने का है। और इधर थार देख के दिल को बुरा लगा। अभी करण और पीयूष भाई ट्रक में जा रहे हैं और हम लोग ये कैंपर में जा रहे हैं। देखो कैंपर में, और लग ऐसा रहा है कि आराम से पहुंच जाएंगे आज के आज ही। ट्रक के साथ हम भी जाने वाले आगे पीछे। यहाँ से 200 किलोमीटर के आसपास कुछ खाने का विषय, तो खाने के लिए सामान ले लिया है और बस अभी पॉजिटिव फील आ रहा है क्योंकि गर्दी नहीं है भाई, और लकी है हम लोग, आराम से गाड़ी जाएगी। अभी बस मुझे ये देखना है कि ये पुलिस वाले जो है ना, वो देख रहे थे टू व्हीलर अलाउ नहीं है, टू व्हीलर मुझे देखना है ट्रक रोड कैसे, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत चलती है ऐसा मैंने सुना है। देखते दोस्तों, ध्यान से जाना, ख्याल रखना, हम साथ में ही आगे पीछे कंटिन्यू। हम जा रहे आगे, और कुछ लगा तो बताना। यस, पानी का जरूरत लगेगा, बाकी हमें 5 बाटली लिए, ऑक्सीजन का 1 बाटली लिए। ओके मेरी कॉल बारा, चलो सी यू। सी यू, सफर चालू हो चुका है दोस्तों, वन साइड डेंजरस टॉन सफर, और विक्रम की हवा टाइट हो रही है दादा का खतरनाक वाला ड्राइविंग देख के। और अभी थोड़ी सीट बेल्ट का लॉक नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ पे पहाड़ों में एडजस्टमेंट चलती है। और पत्तू जी जो है, इनको दादा ने चैलेंज किया तांगला नाम में, पत्तू का फट्टू होने वाला, फट्टू। बाकी डायमोक्स नहीं लिए बंदे ने, जग जाएगा। और खाने को तो इतना माल लिया ना हम लोगों ने, आप येड़े हो जाओगे। और बाकी कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है, और डाकू जिंदा है। डाकू तुझे जाए डायमोक्स, अगर ट्रक पैरेलल चला गाड़ी के साथ तो मैं भी एक बार स्विच होने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भी एक्सपीरियंस लेना है ट्रक का, लेकिन देखते हैं। बट मैं आगे नहीं बैठूंगा, वो लोग आगे बैठे हैं, मुझे पीछे गाड़ियों के साथ बैठना है देखने के लिए। और सबसे सेफ गाड़ी इस कुत्ते की है, हम दोनों की, हम तीनों की गाड़ी सेफ नहीं है, बट ठीक है, अभी क्या ही कर सकते भाई, यहाँ पे सब चलता है। दोस्तों जिंदगी की रिस्क ली जा रही है फ्रॉम चाचा। अरे ये क्या है भाई, ये क्या है दोस्तों, गेला का डायरेक्ट काही, और सामने से बैक टू बैक ट्रैक सारे ले, मेरी माम उल्बा रचने एल्पा काका स्माइलिंग कर रहे, इनके लिए तो नॉर्मल है, आपकी फट रही है क्या दोस्त? नहीं मेरी फट नहीं रही, मैं सोच रहा बाइक की शाही दोस्त। यहाँ पे बाइक अलाउ नहीं है ऐसा बोला है। ये देखो अभी ये कौन है, मनमोहन सिंह, कौन है ये देखो दोस्तों,
अपना ट्रक आ रही है, ये बात अंधे अंधे अंधे। और ये देखो तांग लांग ला रे रंग तांग लांग ला तांग लांग ला रे रंग तांग लांग ला डाक 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 ना कर रही डाक 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 ना कर रख डाक 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 ना कर श्वसन प्रॉब्लम ऑक्सीजन मार के हो गया है एक चुस्का आगे जाके और मारेंगे हमारे पच्चीस जी उजी 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 एक धक्का गाड़ी को मारा काम 25 बच्ची के दिल में तकरीबन 17,500 की फीट की दूरी पे तांगलांगला पे अपन आए। देखो साइकिल ही जा रहे दोस्तों, साइकिल ही जा रहे। और हमने एक टू व्हीलर वाले इंसान को देखा, वो भी जा रहा है, ये मैं नहीं पी रहा हूँ वैसे तो, वो भी जा रहे। तो बस पूरा इसलिए लग रहा है कि हम टू व्हीलर से यहाँ पे आ नहीं पाए और टू व्हीलर वाले जा रहे हैं। मुझे समझ भी नहीं आ रही क्या विषय यार, दिल को दस्तक हो गई दस्तक। जरा सुसु करके आता हूँ चट करके। तू दादा को भी आराम करने को मिलेगा और मैं भी मचाऊंगा। येल्ला येल्ला वल्ला अभी भी बोलते बैठ गए दादा, चुका बादशाह आ रहा है। देखो दोस्त, रिस्क है तो जिंदगी है और जिंदगी है तो पहाड़ है और पहाड़ है तो लाइफ है। रिस्क भी है ना फिर अभी सीखा कि नहीं? रिस्क है तो इसके ना मेरी जाने बब्बू। चल रहा है सीधा रोड है बांग बांगिया से कितना दूर है? 28 सेफली ले चलना सर, जिंदा लेके जाऊंगा जिंदा। पता चले बाइक्स आ गई सेफली, अपनी डेट पड़े गए। देखो मैं पहाड़ों में गाड़ियाँ चला रहा हूँ, खंडाले के घाट से भी डेंजरस इलाका ही है, फिर भी मैं बादशाह की तरह चला रहा हूँ। और मैं यहाँ पे थार लेके जरूर आऊंगा। थार उस वक्त हुई तो ठीक, नहीं तो शायद हाइलक्स भी हो सकती है। जमीन भी कल लागली तरी चालेल। अभी मैं डीमार्ट थार लेके जाती हूँ, कल से मैं डीमार्ट और भाजी लेने के लिए हाइलक्स में जाने वाली हूँ। हाइलक्स मैं लेने वाला दोस्त, तू ज्यादा फ्रैंक मत। थार बेचने का बोला ना तू, हाइलक्स घेऊन इला पाठवणार। एक से काम कर, थार राहू दे, सफर विकतो भाई, नाही परवडत रे। हां किती स्क्रॅचेस येतील हायलक्सला देवालाच माहिती, की थार पहिल्या दिवशी स्क्रॅच आणले घेऊन आले होते। हे देखो दोस्तों, ये लड़की देखो, लड़की ये लड़की की चप्पल, डाकू की चप्पल पहन के वो चचा को उधर से लेके आया, इसको ये नहीं खोलने को जम रहा है इस बुढ़ाऊ को। बुढ़ा ऐसा है, मैंने सामान पैक नहीं किया है, मेरा सामान आया है नहीं आया है, सब कैसा क्या परिस्थिति है, दो मिनट तो हमें पता चलेगा। हाँ बाय द वे 16-15,000 अल्टीट्यूड पे गाड़ी चलाने का मजा बहुत आता है, मस्त बताइए, मतलब रश ड्राइव भी कर सकते हैं और गाड़ी भी खच्ची एकदम चुम्मा। अब यहाँ पे थोड़ा खाना खाते हैं और वाट बगते ट्रक की, शायद ट्रक आ जाए अपना खाना होने तक, मे बी और मे नॉट बी, लेकिन जो भी है देखा जाएगा। अब इधर देखते क्या क्या अच्छा आइटम मिलता है। दोस्तों इधर का कावड़ा देखो कितना सुंदर है, सोच सकते हो अब इतना सुंदर कावड़ा हो सकता है इलाके में। अरे गेला रे अच्छा आई छी, देखो चोच पिवड़ी कावड़े की, जरा कबूतर से भी सुंदर कावड़ा इधर है। वेलवेट फर है उसका पूरा, रिच कावड़ा, लद्दाख का रिच कावड़ा। हम जहाँ पे रुके दोस्तों, खाना खत्म नहीं है। देखो ये गाड़िया है, गाड़िया सही सलामत है। अच्छा थम थम वाला पकू दे, मुझे देखना है दोस्तों गाड़िया की कंडीशन क्या है। एक जगह पे दादा को रोकने को बोला, ये देखो बर्फ देखो इधर आईची कटकट, पूरा बर्फ एरिया पूरा का पूरा। यल्ला यल्ला वल्ला बीबी, मेरी इच्छा हो रही है कि ड्रोन उड़ाया जाए यहाँ पे थोड़ा सा, चलो मजा आएगा। ड्राइवर को छोड़ के चला गया, बोल ले कि आप यहाँ पे रुको मैं मदद लेके आता हूँ, क्योंकि उनका टर्फ पंक्चर हुआ था।
और वो बंदा ना बिना पानी के बेचारा प्यास और भूख के मारे मर गया। यहाँ पे जो भी बंदे आते हैं ना वो मतलब भरी हुई बिस्लरी वहाँ पे दान करते हैं, हमने भी की, और उन लोगों की मान्यता है कि वहाँ पे रुकना भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि फिर वो तकलीफें होती है, तो हम वहाँ पे नहीं रुके, हम थोड़ा नीचे आके रुके। लेकिन मैं आपको अपने ड्रोन के जरिए आपको कुछ ये प्यारे प्यारे शॉट्स दिखा पा रहा हूँ ताकि कितनी बिस्लरियाँ हैं, मतलब टेक्निकली देखा जाए तो ये हम ये कर रहे हैं, मतलब कचरा हो रहा है वो तरीके का, लेकिन ये मान्यताओं का विषय है क्योंकि वो जो लोग वहाँ पे वो दान नहीं करते उनका फिर उनको थोड़ा सा तकलीफ होती है, ऐसा मान्यता है, बस इतना ही है। तो पत्तू को बोला जरा क्लोजली शॉट्स ले, तो ये है सारे शॉट्स आपके सामने अवेलेबल मेरी जान। इसको ना दोस्तों ये जो टर्न आप देख रहे हो ना इसको बोलते हैं घाटा लूप्स। ये कुछ 22-24 लूप्स है टोटल जो ऐसा 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 करके नीचे आपको लेके जाते हैं। और अभी आने वाला है सरचू, जहाँ पे ये जो हमारा छोटा सरचू है ना उसका काम 25 होने के चांसेस है बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या लगता है सरचू जी पाएगा 20 किलोमीटर? कोरियन ड्रामा भगते ना तू, 20 किलोमीटर में पता चल जाएगा कौन जी रहा है। तरंगे ये उधर वो गरुड़ा है कह रहे। तो ये जो एरिया है ना ये वो एरिया लद्दाख है और ये एरिया हिमाचल है। अभी सोचो कैसा विषय होगा। और ये पीछे ना यहाँ पे अभी हमने ब्रिज क्रॉस किया, एग्जैक्टली हम लद्दाख से हिमाचल में घुस गए ऐसा दादा ने बताया। और अभी ये जो चेक पोस्ट है ना ये 7 से पहले क्रॉस करनी होती है, अगर रूल है, अगर नहीं करेंगे तो फिर वो लद्दाख में ही रहने पड़ेगा अपने को, वापस जाके फिर सरचू में रहना पड़ेगा जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमतरता है ऐसा लोग बोल रहे हैं। मुझे कुछ नहीं लग रहा है, अपने लाइफ में मैं पहली बार दोस्तों पूरा गोठा हुआ तालाब देख रहा हूँ, पूरा गोठा है, इसके ऊपर से अपन चल सकते हैं और नीचे पानी है पूरा, कितना भारी लग रहा है देखो ना। इससे ज्यादा क्या अच्छी चीज दिखेगी, मनाली आ रहा है तो नई नई चीजें देखने को मिल रही है मेरी बम्बो। जोजिला पास तो देखा था और ये खतरनाक है, मतलब उसी लेवल का है, लेकिन अफसोस कि हम टू व्हीलर पे नहीं है तो मैं आपको गाड़ी के अंदर से यही इतना ही व्यू दिखा सकता हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये देखो एकदम प्रॉपर, इधर अभी थोड़ी देर पहले इससे टिबल बर्फ थी ऊपर तक और हर जगह बर्फ है, आप जहां पे देखोगे नजर डालोगे इधर कुछ, मतलब जोजिला में जितनी बर्फ नहीं देखी उतनी बर्फ इधर दिखने को मिल रही है आसपास में, देखो ना जहां नजर डालोगे बर्फ ही बर्फ दिखेगी आपको। और बस जा रहे हम अभी थोड़ा सा ऊपर, अगर हो जाए थोड़ा सा, फट रही है ठंड से, बस कंबल लेके आ। इसने तमाशा मान डाला सोने का, जहाँ मिल रहा है वापस सो रहा है। मैं नहीं जीना चाहता दोस्तों। क्या बोल रहे हो? अरे ये जैकेट आपका महंगा है ना गर्मी का, तो थोड़ा सा नींद लग गया। बाकी कुछ नहीं दोस्तों, सोता हुआ। हम अभी दोनों तरफ बर्फ है ऐसे जगह पे फंसे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक्चुअल में व्यू कैसा ही। देखो ये बाबा रे, देखो क्या वहाँ पे बर्फ है रे बाबा, कहीं रे कहीं हम सब की साल्टी कहीं रे। देखो देखो ये अब्बू बाबा सब जगह पे बर्फ है रे बाबा। ट्रैफिक निकल रही है, ट्रैफिक निकल रही है, लेट्स गो बेबीज। चलावा बर्फ है भाई। क्या बोल रहे अंकल? कल किस ड्राइवर नहीं है इधर। हाँ। अभी चला हमारे ड्राइवर जी गायब है।
दोस्तों रात के साधारण पड़े 10:12 ट्रक आ गया और हम यहाँ पे खाना खा रहे थे, बहुत ठंडे, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो पिछली नंबर प्लेट है थोड़ी सी दब गई है और हायाबुसा की भी टेल लाइट थोड़ी ऑलमोस्ट टच है, बट ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हायाबुसा जो है उसको कुछ सपोर्ट ही नहीं है अवेलेबल, रुको जरा देखते हैं। गाइज अपने हायाबुसा का टेल लैम्प थोड़ा फूट गया है और हमारा भाई जो है वो थोड़ा दुख में है अभी फिलहाल, लेकिन रोड भी रोड बहुत खराब था, बाकी सब गाड़ियां ठीक ठाक तो दिख रही है अभी तो। बहुत टेंशन का विषय है, जब गाड़ियां बाहर निकलेंगी तभी पता चलेगा एग्जैक्टली क्या मैटर है या क्या नहीं है, बट होपफुली कोई प्रॉब्लम ना हुआ हो किसी भी गाड़ी में। थोड़ी देर में देखते हैं। 12:30 दोस्तों और अब ये पाइप निकलना है, हम केलोंग में आए हैं और बहुत डेंजर परिस्थिति है और गाड़ियों का भी बाहर आने के बाद ही पता चलेगा क्या विषय, और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो है, गोली लगती है, नुस्ती गोली लगती है भाई। ये देखो पीयूष भाई का स्टंट देखो, भरी ठंडी में मेहनत चल रही है भाई की, एनर्जी में पत्या जी पूरी तरह से ख़त्म है। क्या पत्या जी क्या लग रहा है, आपकी बाइक का तो टेंशन ही नहीं है, चीले एकदम भाई, सबसे बाहर है वही सबसे ज़्यादा सेफ है। तो दोस्तों अगला दिन चालू हो चुका है, कल का दिन जो था वो तो आपको पता है कैसा था, बहुत ही तकलीफ़ भरा था, गाड़ी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा माखी हुई है, और अभी मैंने हेलमेट और सेफ्टी गियर्स पहने हुए हैं बट जैकेट नहीं पहना हुआ है, क्योंकि वो अभी हम जहाँ पे जा रहे तो ताकत ही नहीं है यार जैकेट पहन के कुछ भी विषय कर। बहुत डिस्कशन के बाद हमारा डिसीजन ये हुआ है कि हम मनाली रुक रहे हैं, लेकिन पैसे का मैटर मैं आपको अगर बताऊं तो जैसे कि ये गाड़ी है इन्होंने 57,000 में डील की थी पूरा टूर, बट हमारे कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि हम मतलब जहाँ पे हम नहीं जाने वाले थे वो 2 पॉइंट इन्होंने घुमाए, लेकिन जहाँ पे हम जाने वाले थे वो डिस्किट वो 500 किलोमीटर माइनस वाले, लेकिन उन्होंने माइनस का इतना कंसिडर न करते हुए हमसे 64,000 का डिमांड किया, तो अभी देना पड़ रहा है, क्या ही कर सकते। और मनाली में एक वही होटल ढूंढ रहे हम जिसमें हम पहले रुके थे, क्योंकि वो कैसा पहचान का होटल है और वहाँ पे अच्छी सुविधाएं, तो वहाँ पे हम रुक रहे हैं और बस यही है, बोलने के लिए कुछ याद नहीं आ रहा है, बस स्वागत है आपका दोबारा सेम ही व्लॉग में। गाड़ी ठीक है, गाड़ी का टेल लाइट जो है वो काम नहीं कर रहा है, टेल लाइट मतलब वो जो नया बनाया था ना अपने लिया था वो काम नहीं कर रहा, मुझे लगता है वो सॉफ्टवेयर इशू की वजह से शायद हुआ हो, तो मैं एक बार लैपटॉप लगा के चेक करने वाला हूँ, अगर नहीं हुआ तो फिर पता नहीं इसकी वारंटी है कि नहीं, वो लाइट की 14,000 का लाइट है, और विक्रांत भाई के अपने जो हेडलाइट टेल लाइट है वो तो फूट ही गए नारल की तरह, तो वो इंश्योरेंस में करवा लेंगे, उसका कुछ कॉस्ट जाता है 30-35,000 के आसपास ओरिजिनल, तो अगर वो करवा लेंगे तो सही है। बाकी करण का और पत्या का कुछ नुकसान हुआ नहीं है, वो 200-300 रुपीज़ का एक लाइटिंग का इशू हुआ है, वो तो सॉल्व हो जाएगा, बस यही है। और अब फाइनली हम निकल चुके वे टूवर्ड्स मनाली, मनाली से हम दिल्ली, दिल्ली से कैसे कैसे वो आपको पता चलेगा, अभी यहाँ से तकरीबन 60-80 किलोमीटर का कुछ सफ़र है जो मुझे पता नहीं है रोड, तो मैं इनके साथ ही रहूँगा, बस यही है भाई यही है। जैसे मनाली के रास्ते आ गए डोंगर अपने जैसे दिखने लगे, देखो हिरवर और पीछे मस्त है कि बर्फ, आय हाय 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 हाय, मतलब लद्दाख है ना, लद्दाख एक पूरा अलग एक्सपीरियंस है, और मनाली ऐसा लगता है कि आप अपने इलाके में आ गए, मतलब देखो ना मनाली में आने के बाद नेटवर्क आ गया मोबाइल का, सारी चीज़ें नॉर्मल लगने लगी, लद्दाख में मोबाइल का नेटवर्क नहीं था, पोस्टपेड ही चल रहा था, वहाँ पे सारी चीज़ें अलग अलग लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि हम भारत में हैं बाहर कहीं पे, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और अभी तक मैं अगर बताऊँ आपको तो लद्दाख हमने 10% भी नहीं घूमा है, और मैं लद्दाख अगले साल दोबारा भी जाने की कोशिश करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट तो आया है, बस आप ऐसे ही प्यार देते रहना, साथ में रहना, क्योंकि आपके साथ बात करते करते मैं घूम सकता हूँ, सोलो मुझे घूमने में इंटरेस्ट इतना है नहीं। गाड़ी एकदम व्यवस्थित है और अच्छा हुआ PPF लगवा लिया था मैंने, वो अपने जहाँ से PPF लगवाया ना वो अपने ठाणा वाले, उनको बहुत शुक्रिया, फुल इज्जत। अरे दोस्तों हिरवल कैसी लग रही है मनाली में आके बच्चा, अभी जीव में जीव आया ना थोड़ा, लेकिन लद्दाख अगले साल कौन आ रहा है मेरे साथ, हाँ इस बार की तरह नहीं, विक्रांत को तो विक्रांत आ रहा है, विक्रांत को लेके जा रहा हूँ मैं, पत्ते जी आपका क्या है। ना अगले साल तक तो हो जाएगा, टेंशन मत लो। और करण जी आपको सच में वीडियो चाहिए, आप आओगे,
अरे स्पीटी, अरे स्पीटी जाएंगे उधर से थोड़ा सा लद्दाख भाई। अगले अगले साल है ना एकदम टाइम निकल के निकलेंगे, प्रॉपर एक महीना टूर। अरे एक महीना ऐसा समझ लॉकडाउन है बच्चा, यम्मा यम्मा। अरे वो भी ठीक है, चल देखते हैं करते कुछ जुगाड़। इस मुद्दे पे मैं भी बोलना चाहूंगा कि पते जी जो है दोस्तों वो अकेले घर निकल रहे थे, तो मैं भी जानना चाहता हूँ पते जी आप कहाँ जाने वाले थे अकेले? अच्छा अच्छा, अरे टायर पंक्चर होने पर नाक और आंख से शेमूड बहने वाले तुम यहाँ से अकेले मुंबई जाने वाले थे, वो भी उल्टा टायर लगा के? हाँ अच्छा, देखा क्या करण, देखा क्या? हाँ देखा क्या करण लगा सुतलो ना वो बोला अच्छा अच्छा बोलून शांत झाला तो थेरडा बरोबर। ए बरोबर, शेर टू शेर मित्र रखे इसने, हाँ पैसा बचाने का टेक्निक ऐसा तो लद्दाख तक घूम सकता है, अभी लद्दाख में भी दोस्त बनाए होंगे इसने। 2 साल के बाद हम दोबारा अटल टनल के सामने आ रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हो अटल टनल का वो एंट्री, और हम उस साइड पे बर्फ के यहाँ पे रुके हुए थे। आई ला एकदम ऐसा सब मतलब फ्लैशबैक दिमाग के पास से निकल गया, अच्छा लग रहा है। पर मुझे लगा हम उधर से आएंगे पर हम इधर से आ रहे हैं, अगर वो संस्कार वगैरह शायद करते तो शायद उधर से आते हम, मुझे लग रहा है। बट फाइनली वाओ, अपनी खुद की बाइक लेके हम अटल टनल आ गए हैं, इतना राइड कर करके इतना दूर आके ये फीलिंग अलग है। अपने खुद के बाइक पे घूमना ना दोस्तों एक अलग फील क्यों है पता है क्या? ऐसा लगता है कि अपन घर के आसपास ही है, बस चिल कर रहे हैं। 3598 किलोमीटर टोटल रन टाइम रन हुई है गाड़ी, और यही सेम फील ये सब लोग कर रहे होंगे जो जो बाइक लेके आते हैं। देखो रेंट वाली बाइक तो सब लेके आते हैं, रेंट वाली बाइक एडवेंचर करने के लिए लेके आते हैं, लेकिन उसमें वो अपना फील नहीं होता, समझ रहे हो ना? जो अपना होता है वो अपना होता है, वैसा ये अपना है, और ये यहाँ पे अभी आया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाप रे गर्दी तो है थोड़ी फार, बहुत सारे बाइकर्स भी है यहाँ पे, और बहुत सारे पर्यटक भी आए हुए हैं। एक सेकंड, अरे गाइस सुनो ना, वो ढाबा लेफ्ट में था, लेफ्ट में रुको रुको ना इधर इधर राइट में, एक मिनट रुको, आगे आगे किधर जा रहे हो? इधर इधर रोक तो लो पहले, देख वो जो थुप्पा वाला मैं बोल रहा हूँ ना हमने खाया था, इधर से आगे बर्फ है थोड़ा सा, उधर है वो, जा सकते हैं, जाके आ सकते हैं अगर ये क्या। बट करण वो इतना बादशाह नहीं है ना, तुम मुझे गाली दोगे तुम लोग। चलो फिर वो गाड़ी की तरह अपनी गाड़ी आने दो ना। हे करण है वो क्या भेड़ है का है अगला है वो, चना डाल खाई चाहिए, चना डाल खाई दो ना एक। अटल टनल में हम एंट्री कर रहे हैं दोस्तों अभी इस वक्त, ये अपनी जो कैंपर है वो कहाँ पे रहेगी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर अभी हम घुस रहे हैं अंदर, मजा आ जाएगा। ये देखो लोग अटल टनल पे फोटो निकाल रहे हैं, फाइनली वी आर इन दी अटल टनल के दिल में मेरी जान, नो ओवरटेकिंग ओके। पिछली बार आपने जो देखा था वो बड़ा वाला टनल, ये उससे भी शायद बड़ा है थोड़ा, और हाँ इधर आप रुक नहीं सकते, ये देखो नो स्टॉपिंग है, मतलब मैं अभी 360 लगाने की इच्छा व्यक्त कर रहा था पर मैं लगा नहीं सकता भाई, 8.5 किलोमीटर है बाप क्या। एक मिनट, मुझे पता है मैं गया हूँ अटल टनल से, बट 8.5 किलोमीटर ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? अटल 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 टनल अटल 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 टनल अटल 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 टनल इज्जत। ये बहुत ही सुंदर और प्यारी प्यारी फीलिंग है कि आप अपनी खुद की बाइक लेके दुनिया के एक छोर से ऑलमोस्ट दूसरे छोर पे जाके एक टनल से क्रॉस हो रहे हो भाई, और ये टनल आपका 300 से 400 किलोमीटर का डिस्टेंस बचाता है, सोचो।
अगर आपको लेह से मनाली में आना है और अगर अटल टनल आप क्रॉस नहीं कर रहे हो तो आपका डिस्टेंस बहुत बढ़ता है, आपको वो अलग वाला है ना वो रोहतांग पास, वहाँ से होना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। ये देखो बंदा स्ट्रेट टू स्ट्रेट डायरेक्ट डोंगर पोखर के आर पार, भाई आर पार 10 किलोमीटर। ये मजा आ रहा है माम, मजा आ रहा है। नहीं मैंने इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाया, बट मैं पूछना चाहता हूँ करण जी, आपने अटल टनल मतलब आप सबसे पहले पतू और आप अटल टनल, अरे है चाय लाला बंद करा रहे कोणीतरी, कंटिन्यू बड़बड़ तो रे तो हाँ, अरे इसको रोक दो रे, अरे बाबा थाम रे बाबा ब्लॉगर थाम, लाइकी जीरो थाम, आईची कटकट है बोलून पण देत नाही रे तो, अरे म्यूट पे रख ना ब्लॉग बना रहा है तो, हाँ ना। अच्छा जाने तो, चलो सुनो पतू और करण जी मुझे बताइए, आप अटल सेतु से होके आए हैं और अटल टनल में जा होके आए, कैसा लगा? और ये करण फाइनली हम मनाली में एंटर कर रहे हैं, मेरी बब्बू, ये आपका मेरा सबका फेवरेट मनाली। सॉरी अभी तक मनाली जाना है 24 किलोमीटर है और वो सोलन वैली है ना वो बहुत फेमस है, वहाँ पे हम पिछले साल गए थे, देखते इस साल जाना होता है तो आपको फिर से एक बार दर्शन दिलाएंगे विथ आवर स्पेशल बाइक्स। चलो दिल्ली लियोन भाई, ओ मेरे लियोन भाई, आपके माँ की अखिया। देखे कुत्ता भी ठीक है, सूट होता है उनको। हाँ, कुत्ते कमी ने मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं बोलता है गगजानंद भाऊ। अच्छा करण जी मुझे एक बात बताओ, जो अटल टनल है, अटल टनल नहीं अपना अटल सेतु जो है, वो किस आधार पे बताइए जरा मुझे। ये वो गाड़ी वाले ने एकदम डोले वटा और रहा के मुझे देख रहे थे, मुझे लग रहा है मुझे चुम्बन देंगे वो चुम्बन। हाँ अरे ये पीछे मेरे गाड़ी है वो दोस्तों, एक गाड़ी है उन्होंने ना डायरेक्ट हमें आवाज़ दिया नाम से, मतलब बांदिल की फैमिली वाले हैं तो उन्होंने आवाज़ दिया, मतलब ओळख देखो ओळख, ये अपन मनाली में आए या महाराष्ट्र में घुस गए भाई, हाँ इतने पहचान वाले लोग आ कहाँ से रहे। एक तो दोस्तों एक जगह पे रोकी ना गाड़ी, वहाँ पे पहचान वाले लोग आए उनके वजह से शायद हम सबको फाइन पड़ा होगा, चालान कट गया होगा, हमारा कितने का कटा है वो नहीं पता, बट होपफुली सस्ता ही होगा 500 के अंदर तो ठीक है। क्या बात कर रहे हो, आई ग 1000 रुपये गेले रे, त्याच 1000 साठी कधीच भांडत होतो रे हॉटेलमध्ये आपण, किनके लिए रुकते है चलेगा, पहचान वाले क्या पता किधर है वो। अरे पर उन्होंने रोकने को थोड़ी बोला है, रोकने को तुम खुद ही रुक रहे हो, अरे उनको आवाज़ तो देने दो सक्सेना जी। हाँ मिलेगा आपको फेम, टेंशन मत लो मेरे साथ हो आप, ऑटोमेटिक फेम आएगा, रुकेंगे। खाना खा के हो गया अभी होटल में हम जा रहे हैं, होटल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है बट पिछली साल जो रुके थे ना वही होटल है, वैसे खाना जहाँ पे हमने खाया इतना अच्छा नहीं था, बस रोटी अच्छी थी, गरम गरम रोटी के साथ एडजस्ट कर लिया। और ये लोगों ने जो बटर चिकन खाया ना वो तो टोमेटो सूप की तरह लग रहा था, ऐसा ये बोल रहे थे। मैंने जो पनीर मसाला मंगाया था वो काफ़ी बढ़िया था, वो खाने में मज़ा आ गया। अभी यहाँ से मनाली 20 किलोमीटर कुछ दिखा रहा है तो लेट्स गो टूवर्ड्स मनाली बेबी के दिन में कुत्ता यम यम आम यम्मा। यहाँ पे ये लोग बोल रहे 2 दिन रुकेंगे हम, अभी देखते हैं, सब तो थके हुए हैं थोड़े थोड़े, रुक के क्या ही करेंगे। मैंने तो देख ली ये सारी चीज़ें, बट अगर ये जा रहे होंगे तो मैं भी इनके साथ जाने के लिए रेडी हूँ मेरी जाने बब्बू। तो पैराग्लाइडर बॉय, पैराग्लाइडर ये लोग मुझे लगता है अभी ये रुक रहे हैं तो ये करेंगे पैराग्लाइडिंग वगैरह, लेकिन मुझे भी अच्छा लगेगा ये लोग करेंगे तो मैं देखूंगा इनको करते हुए 4K वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और ये सोलन वैली अब लग रही है, सोलन वैली क्या है मैं भूल गया हूँ रे, 2 साल में हम क्या सोलन वैली में था, मैं देखता हूँ दोबारा एक्सपीरियंस लेते सोलन वैली का, अगले ये देखो लद्दाख का फील थोड़ा सा नहीं, यहाँ पे तो सीमेंट मारा है। अच्छा ये सीमेंट मार के फिक्स कर दिया इन लोगों ने, सही है। अगला मिलिट्री ट्रक देखता हूँ तो लद्दाख की याद आ जाती है, लद्दाख आई लव यू, लद्दाख आई मिस यू, लद्दाख मैं दोबारा आऊँगा, ये वचन है मेरे दोस्त,
सत्य वचन है। अरे ये क्या, कौन सा ट्रैफिक आ गया मनाली में भाई इतना? सोलान वैली है क्या, इतना होता है क्या? पिछले हम आए थे तब नहीं था रे दोस्त। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देख एटीवी राइड चल रही है भाई। आ जाओ जाओ राइट से, आ जाओ राइट से, आ जाओ भाई। देख मेरी गाड़ी है ना, मेरी गाड़ी, वो ट्रक बिग को नहीं इज्जत देती। मेरी गाड़ी जरा डेंजर है। ये देख कैसे देख रहे एटीवी, अरे ठुक जाएगी ठुक जाएगी। ये देखो एटीवी वाले भी देख के इज्जत फरमा रहे ले मेरी मम्मूल। नहीं मैं नहीं दूंगा मेरी बाबा। हाँ बेचते टिबल, टिबल सीट भी जा सकते हो, टिबल बैठे। ये मजा आ रहा है रे, कैसे जा रहे देखने वो लोग। ये रुम्मा सोलान वैली बोलते हैं ये। सोलान वैली की स्टोरी पता है क्या करण? यहाँ पे 7 नौजवान है ना, वो एक साथ फ्रीज हो गए थे डीप टेम्परेचर होने की वजह से, और वो खाना खा रहे थे, चिल कर रहे थे, और एकदम फ्रीज होकर वैसे के वैसे उनकी, मतलब नहीं क्या, वो जैसे के जैसी बॉडी वैसे को वैसे देखने को लोग आते हैं। हाँ अरे बाबा वो अलग अलग, अरे एक ही एरिया में बहुत सी स्टोरी बनी है ना ऐसा विषय। हाँ 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 सोलान सोलान पड़ा, बट मेरा क्या मनना है, सुन सोना कैसे बच्चे का बे। वो तो मतलब वो कौन थे, मतलब वो ये थे क्या, शेख लोग थे क्या? अच्छा अच्छा, तो सोना कैसे आया इतना शरीर पे? अच्छा यार सुना ना करण, अपन इसको सोलान पड़ा बोल रहे हैं। अरे सोलान पड़ा तो तुम्हारे गांव बट्टुकवाड़ी में आता है ना। अरे याक पे सवार सब है। हाँ नहीं नहीं हाँ ये हाँ गरुड़ ने पहना था, वो गरुड़ा नहीं पहना, एकदम किंग दिखेगा किंग। अरे मैं गूंगा हूँ गूंगा, अरे मैं गूंगा हूँ। अरे वो 100 रुपये दे रहे, लू क्या? 100 रुपये दे रहे मुझे। अरे मैं गूंगा हूँ गूंगा। आईला काय कसली झाड थी? अच्छा ते का ते, मैं माला का पैसे देतात, मी झाडं खोडून देऊ त्यांना। चला जयराम, अरे मैं गुंगा हूँ यार, अरे मैं गुंगा हूँ गुंगा, अरे मैं भैरवी हो गया। काय विषय आहे करण, काय विषय तर मुझे समजा नाही ठीक से, वो विषय का वो क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, वो मुझे 100 रुपये क्यों दे रहे थे? हाँ हाँ झाड़ियों में समा गए वो, आईची कट कट रहे। अरे डेंजर भाई, दोस्तों मनाली है ना, मनाली जरा संभाल क्या, संभाल के रहना तुम सब लोग मनाली में, मनाली थोड़ा सा डेंजर है। हाँ ए अरे अपन जा किधर रहे, इधर इधर नहीं होटल यार, क्या बात है चाचू सामने गया? अरे हाँ रे, मेरा तो ध्यान ही नहीं था चच्ची पे। ये चेचू, ये चेचू, चेचे चलो ना मेरी मोपाल आ रो बाबू। अरे चाचा का दिल है बड़ा प्यारा, ओ चाचा राज दुलारा करे थामलेत कशाटी। अबे एक बिना वजह के रुके सब लोग, ये तो गाड़ियाँ नहीं है कोई भी, क्या रुकना क्यों है, विस्खलन हो रहा है क्या, क्या है रिकमा रोड है, रुकाच है क्या भाई?
किसके? पूछ पूछ जरा मैटर के देख। अरे हम तो घोसालगर काका के आदमी है, राडा करेंगे। बाप रे। ए यार करण, ओए कितने हम्बल हैं हमारे करनू और पतू जी। अब्बा मेरे का मेरा आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। और ये देखो फ्रॉड खरीदा है दोनों भाइयों ने मिलके। रब्बा रब्बा मुझे माफ कर दे। ये किधर रोड बंद है करण? अरे तो जानना कहाँ है, कुछ आइडिया है कि नहीं भाई? अरे अभी 9 से 10 किलोमीटर हो गया यार। दोस्तों चाचा ने शॉर्टकट के चक्कर में ना अपने को एकदम लॉन्ग कट में ही लाया ऐसा फील आ रहा है। लोनावाला आ रहा है ऐसा फीलिंग आ गया है। ये देखो ना ऐसा कोपरे कोपरे से जा रहे हैं सब लोग। इधर से ही शॉर्टकट मारने के चक्कर में स्लो हो रहा है। और यहाँ से होटल 9 किलोमीटर जो दिखा रहा था अभी 11 किलोमीटर दिखा रहा है। क्या ही बोलूँ, लेकिन ठीक है। और यार गर्मी बहुत हो रही है रे, अभी लद्दाख की आदत है ना तो इधर गर्मी गर्मी से लग रही है। लेकिन हरियाली बहुत अच्छी है, देखो हर जगह पे पेड़ पौधे, अच्छा लग रहा है, आँखों को ज़रा सुकून मिल रहा है। इतनी दूर से बंजर ज़मीन दिख रही थी, अब हरियाली ही हरियाली। डिलीवरी बॉय का कुछ सीन है कह रहे, उसकी शूटिंग बैक टू बैक चल रही है। मुझे लग रहा है उसने पैसे ज़्यादा मांग लिए। ये 12 लाचा का रोड परवड़ा रे, लेकिन ये ट्रैफिक नहीं परवड़ी। साला 3-4 किलोमीटर के प्रवास पे आधे घंटे से ज्यादा का टाइम चला गया है। आई आई अरे गाड़ी क्यों बंद पड़ती रे ऑक्सीजन की? अयला ये ते पोरग अडकले वट नहीं नहीं फिरता है ते। आयला मजा कर रहे ले भाई। ए कड़क है करण, पानी को ऐसा छोड़, पानी में छोड़ देने का पानी में। अरे बटे मी नहीं करना रे, माला नहीं आवड़त बाबा। मसाज गाड़ी पे, अरे अरे ठीक है, लेकिन तो क्या मैंने देखा होटल पे आके मसाज करेंगे। मतलब मैं बोला पत्तू का नंबर ले तो पत्तू चाहे उसी बाजू चकड़े गया नंबर गया था। इल्लुमिनाटी थैंक टी थिंग। आय 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 ची कटकट है चा ठोकलास तो ऐसा चिंदी कहीं सा। आय गा देवा, अरे थले वा, अरे क्या गाड़ी चला रहा है। किधर किधर आ रहे अंकल? अंकल लटके ले वेणी वाले अंकल। ए अरे बाप रे, कुठली रिस्क है? आता दोरी तुटली तर लागेल रे त्यांना। नाही याच्यात कुठे कायमची गेली, वाचणार भावा। हा त्यांना लागू शकतं जर पोहता नसेल येत तर प्रॉपर। मजा आ रहा है भटकर, अपने गाडीओ के जलवा है, अपने गाडीओ को लोग जो देख रहे हैं ना जलवा है। छी मेरे से गाड़ी दो बार बंद पड़ी, मेरी लायकी नहीं है करण, मेरी लायकी गई। गाड़ी को एयर नहीं मिल रहा है। अभी अपने को लेफ्ट मारना है सीधा, ये स्ट्रेट। दोस्तों ये जो गाड़ी वाला ना अल्टो वाला, ये शाइनिंग मार रहा था थोड़ा, तो हमने अपने स्टाइल में उसको जॉब दिया गाड़ी रेस करके ऐसा ऐसा। बाइकर्स, हम थोड़े छपरी बाइकर्स नहीं लग रहे आज, ऐसा डरा धमका के लोगों को गाड़ी बाजू करने को बोल रहे हैं। एक गाड़ी वहाँ पे रुकी हुई, उस एक गाड़ी की वजह से हम जा नहीं पा रहे और बस गाड़ी आ रही है। क्या ही करे और क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। ये देखो पतू रोड क्लियर कर रहा है, देखो कैसे ईमानदार इंसान बना है। देखो सरल सरल। ये अरे ये क्या है बापरे, टांगा पलटी घोड़े फरार है क्या? ये क्या है अल्टो का विषय? अबे भाई ये क्या? अरे बट एवढी, अरे तो एवढीच्या जागेत ना वळला। हे करण सुन ना, इधर था किधर एक्झॅक्टली ये लोकेशन है ना, ये अनिता स्पेशल लोकल डिश, यहाँ पे अपने राणे ने मचाया था। जाने दे जाने दे जाने दे, आगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे जाने दे। हाँ सरल बोलते मेरी जान, ना रुकने का है ना झुकने का है, बस आगे चलते जाने का है। मेरी जाने तमन्ना, मेरी जाने तमन्ना, मेरी जाने जान, तू मेरे यहाँ दिलदार, तेरे प्यार में मैं हूँ। ए अपन गलती से आ गए, शायद ऊपर अपने को नीचे से जाना था, हमें नीचे से। ए पत्या खाली खाली जाए, खाली जाए, टन मार टन मार। अरे तू मेला ते बा खेरड्या,
चलो घुमाओ घुमाओ घुमाओ, राइट 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 राइट, अभी लेफ्ट में, लेफ्ट में मेरी जान, लेफ्ट में आगे लो, आगे लो, इधर मत लगाओ, आगे लो, आगे लो पत्तू जी। आ चलेगा, इधर भी लगाना है तो लगा दो, लेकिन थोड़ा इधर आगे जरा सेफ रहेगा। हाँ ये गाड़ियाँ लगी, इधर लगा दो। अरे जगह ही जगह है मेरी बब्बू, इधर है, इधर है, इधर है। ए विक्रांत इधर बाजू में लगा मेरे। इल्यूमिनाटी